किया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें शुक्रिया दीनी हरीफ के तहत हम हदीस पेश करेंगे अब्दुल्ला से मरवी है तो वि फतेह इस्तीफार खुशखबरी है उस शख्स के लिए खुशबी है उस शख्स के लिए की जिसके नामा अमाल में कसरत से इस्तीफार पाया गया कल रोज़ क्यामत ही जब नामा अमाल खोलेंगे तो जिसके नामा अमाल में इस्तार की कसरत होगी मैं उसके लिए बशारत है बशारत होने का मतलब यही है कि कल रोज़ क्यामत में अल्लाह तबारक व तारा उसको निजात और बुलंदियत दर्जा तता फ़रमाएंगे इस हदीस में नाजरीन नबी करीम सल्ला वसम ने कसरत इस्तार की फजीलत बतलाई है ज़ाहिर का बंदा जो है वो तो सरापा मासीत है सरापा गुना है इंसान सांस सांस में अल्लाह की माँ से गुना करता है लमा ब लमा अल्लाह तबारक वालफिल होता है क्योंकि मखलूक जो है अपने खालिक हाँ की तखलीक का हक नहीं अदा कर सकती ये मरजोक जो है अपने राजी की राजत का हक़ हाँ अदा नहीं कर सकती ये ममलूक जो है अपने मालिक की मालिकियत का हक़ हाँ नहीं अदा कर सकती तो जब नहीं कर सकती तो जाहिर इस पर लफजी और और लफजी और पर नदामत और शर्मिंदगी और कसरत इस्तफार बल्कि इंसान बंदा तो इतना कमज़ोर है कि जो नेकी भी करता है वो नेकी भी अल्लाह तबारक व ताल की अज़मत और शान के मुताबिक शायान शान नहीं होती तो गए कि हमारी नेकी भी ये भी गवा कि, तो कि एक तरह का गुना है एक तरह की बेदबी और गुस्ताखी है कि हम अल्लाह तबारक व ताल के सामने बज़ाहर उसके जो आदाब बजा ला रहे हैं लेकिन उसकी शान की अज़मत के मुताबिक जो है जब आदाब बजा नहीं लाते तो गए हमारा आदाब बजा लाना भी गो कि एक तरह की मासीत का रंग रखता है इसलिए बंदे को चाहिए हर वक्त इस्तफार करें यहाँ तक हदीस में आता है कि अब हु रजी अल्लाह फरमाते हैं कि बसाओकात रसूल सल्ला व्लम जो है वो एक ही मज्स में बैठे बैठे सौ सौ मरतबा इस्तफार पढ़ लेते थे और आमतौर पर यह इस्तार पढ़ते पढ़ थे रब फिरली वतुब आलैया इ नक अनत तवलफ़ूर रब फिरली वतुब आलैया इ नक अनत तवागफ़ूर यह इस्तार पढ़ते पढ़ थे और फरमा सौ सौ मरतबा एक ही महफिल में पढ़ लेते थे तो खुद सरकार अलैहि वसल्लम जिनके बारे में सुद फता में अल्लाह तबारक व तआला ने बशार सुना दी कि गफ़िरलोहुमा मिन जम्बी तो गह कि अल्लाह तबारक व तआला ने यह लहु तो गया कह के अगले पीछे सारे गुनाह जब माफ़ कर दिए हैं लग्शे माफ़ कर दिए हैं तो फिर आपका इतना कसर से इस्तिग़फ़ार इस किस बात पर वो इस बात पर कि अल्लाह तबारक व ताले की अजमत और आपकी किब्रियाई का हक और शान की जो जो हकीकत उसका हक नहीं अदा कर सकते इससे इस्तीफ़ार की कसरत जो है बुलंदी दर्जात का बास बनती है और इस्तार तो ऐसी ज़बरदस्त यह एक दौलत है कि दुनिया की दौलतें दुनिया के साजो सामान और दुनिया की रहमतें और नियमते भी इस्तार की वजह से फतवा के दरवाजे खोलती है इसलिए जो इस्तार की बड़ी फजीलत है इसलिए फरमाया कि वो शख्स खुश नसीब होगा कि कल रोज़ क़्यामत में जब उसका नामा माल खोला जाए तो उस पर इस्तार की कसरत हो तबीबा मज़ाली रहमिल ताल फरमाते हैं कि गुनाहों पर इस्तफ़ार करना गुनाहों पर इस्तफ़ार फरमाए नकियों पर इस्तबार से बेहतर है एक ही इंसान नेकी पर इस्तबार करे यानी तकबर करे किबर करे अजी हमने बड़ी नेकियां की हम बड़े नेक लोग है, हैं हम बड़े ताजुगुजार हैं नेकी पर इस्तिकबार कर रहा है किबर और तकबर कर रहा है तो फरमाया गुना एक गुनागार है जो अपने गुनाहों पर इस्तवार कर रहा है फरमाया गुनागार का गुनाहों पर इस्तार करना वो नेकी पर इस्तबार करने से अफजल है क्योंकि गुनाह पर नदामत होती रहेगी तो अल्ला तबारक वाला उस नादिम की नदामत को कबूल करके उसकी बख्शिश कर देंगे और नेकी पर इस्तबार करने वाला जब उजब का शिकार होगा और किबर का शिकार होगा तो अल्लाह तबारक बताना वो शख्स के जिसके दिल के अंदर राय के दाने के बराबर भी अगर किबर है तो जन्नत की खुशबू ही सूंगेगा इसे नेकियों पर इस्तबार करना इसकी कोई गुंजाइश नहीं हम क्या और हमारी नकियाँ क्या हमारी क्या हकीकत है अगर नेकी की भी तो किस किस जिसम जहाँ जिस जिस से की उसी जिसम जहाँ जिस से की जो खुदा ने हमें दिया किस जबान से अलहदुल्लह कहा उस जबान से कहा जो अल्लाह ने हमें दी किन हाथों तो से कुरान पकड़ के तिलावत की कि वो वो, वो हाथ भी खुदाई ने दिए जिस जबान से तिलावत की वो भी खुदा ने जबान दी जिन जिस व जान से तो गोया कि हमारा अपना है क्या कि जिसके ऊपर हम इस्तार करें तभी तो हजरत दाऊद असलातम को जब अल्लाह तबारक वाले फरमाया कि दाऊद तो मेरा शिक्र किया कर कसरत से मेरा शिक्र कर मेरी नियमतों का जिक्र किया कर उस पर हजर दाऊद सलातम ने फरमाया ए रबराल मे मैं तेरे शुक्र का हक़ अदाई नहीं कर सकता इसे कि जिस जुबान से अलहमदुल्ला कहता हूँ वो जुबान भी तो तूने दी है जिन आंखों से आंसू बहाता हूँ वो आंखें भी तो तूने पैदा की हैं और उन आंखों में आंसू भी तूने नेता किए हैं जिस माथे को ज़मीन पे टेकता हूँ वो ज़मीन भी तूने पैदा की और माथा भी तूने नेता किया है आखिर दाऊद का अपना क्या है कि मैं तेरे जो है नियमतों का हक अदा कर सकूँ तो अल्लाह तबारक वार फरमाया कि बस दाऊद यही तेरा तस्वर बांध लेना यह जो है वो नियमत का जो है शुक्र हक तूने अदा कर दिया तो बस बंदा जब नादिम होता रहता है अपनी नेकियों पर भी और अपने गुनाहों पर भी तो नतीजा ये है कि अल्लाह तबारक व ताली उसको दुनिया और आखरत की दौलतें उसके कदमों में डाल देते हैं इसलिए फरमाए इस्तफार और इस्तार कहते किसे हैं कि इंसान अपने गुनाह और माशियत पर शर्मिंदा हो जाए शर्मिंदा होकर अल्लाह तबारक व से माफ़ी तलाफी करने लगे इसको इस्तार कहा जाता है और ये तोबा की हकीकत है लिहाजा इंसान जब किसी गुनाह से तोबा करे और किसी चीज़ से जो है नादिम हो इस्तार करे तो उसकी ने लिखी तीन शर्तें हैं पहली शर्त यह कि इंसान जो उस गुनाह से फौरन अलग हो जाए उस गुनाह से फौरन अलग हो जाए यह पहली शर्त और दूसरी शर्त यह कि दिल में शर्मिंदा और नादिम हो कि मैंने यह गुना किया अल्लाह मुझे शर्त आ रही है गुआ कि अल्लाह की तरह निगाह भी नहीं उठती जैसे आदमत वसलाम को जब ज़मीन पर अल्लाह तबारक वा उतार दिया तो साढ़े तीन सौ साल तक आपने आसमान की तरफ सर नहीं उठाया इसी नदामत शर्मिंदगी में कि जन्नतों में रहता था और अल्लाह तबारक वाले की क़ुरबतों में इबादतें और जिक्र असकार करता था वहाँ मैंने एक ये गुना और लवजिश कर ली जिसकी वजह से आज जमीन पर गिरा मैं अल्लाह के पड़ोस में रह के अल्लाह से गाफिल हो गया उसके हुक्म को तोड़ बैठा इस शर्मिंदगी में साढ़े तीन सौ साल तक आसमान की तरफ सर नहीं उठाया और रोते रहते थे यह हालत थी तो कहने का मतलब यह है तो गोया कि शर्मिंदगी तो दिल दिल के अंदर वो नदामत शर्मिंदगी मजमून पैदा हो जाए कि जो मैंने किया यह अल्लाह में शर्मिंदा हूँ और तीसरा यह कि आंदा ना करने का आजम पैदा हो जाए कि यह अल्लाह आंदा नहीं करूंगा तो यह तीन शर्तें जब यह मुकम्मल होती हैं नदामत की तो गोया कि आपका इस्तार और आपकी तौबा अल्लाह तबारक व ताली की यह कबूल पा जाती है लेकिन हजर हकीमाल्मत मुजद मिलत मौलाना शफरी थानवी रही त एक और चौथी चीज़ भी बयान फ़रमाई, फरमाए किसी अल्लाह वाले से जा दुआ भी करवाए किसी अल्लाह वाले से जा दुआ भी करवाए कि हजरत ये ये लस्सी कोताहियाँ हुई थी तो आप दुआ कर दीजिए कि मैं अपनी इस नदामत के ऊपर कायम रहूँ मैं अपने इस्तफार पर मुझे इस्तकामत हो जाए इस तौबा पर यह अल्लाह मैं कायम रहूँ इसत नसीब हो जाए तो उससे जा कर की दुआ भी करवाएँ क्योंकि अल्लाह वालों की दुआएँ जी हैं ये बड़ा रंग लाती हैं ये अल्लाह तबारक व ताल के बंदे जो है ये अल्लाह तबारक व ताल से ऐसी दुआएँ जब कर देते हैं तो फिर आपके लिए सारे जो है के तोबा की तोफ़ी के असबाब मुहैया होते रहते हैं और तोबा पर इसतकाम नसीब हो जाती है तो चौथा ये किसी अल्लाह वाले से दुआ भी करवा लें इस तरीके से इंसान जब ज़िंदगी गुजारता है तो जाहिर है कि उसके नामा माल में कसरत इस्तिग़फ़ार होगा तो कल रोज़ क़्यामत में आपके लिए कामयाबी कामयाबियाँ हैं क्योंकि फरमाए फरमाइन लिल्मतकी मफाजा तकवे वालों के लिए कामयाबियाँ हैं और तकवे वाले वही हैं कि जो गुनाहों से अपने आप को बचाते हैं नेक की तरफ अपने आप को बढ़ाते हैं और गुनाह हो जाए तो उस पर नदामत इस्तार तौबा करके अल्लाह तबार के वाले की तरफ़ बढ़ते रहते हैं अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक वाली इस्तफार की कसर करने की तोफ़ी ता फरमाए और जो इस्तार मैंने बताया कि नबी करीम सल्ला वसम बस अवत्यात एक महफिल में बैठे बैठे सौमार तो पढ़ लिया करते थे उसको भी याद कर लें रब्बी व वालैया इन्ना का अनत तवाबुल गफ़ूर तो एक तस्वीर रोज़ इसकी कर लिया करें वर मशहूर इस्तार तो है इस्तफ़र रबी मिनकुलज़म्बिन वतुब वोलहीसफ़रल व वतूब उलई तो, तो इनमें से कोई भी इस्तार हो कम अज़ कम एक एक तस्वीर सुबह में करें फजर के बाद और एक तस्वीर मगरब बाद रात में करे तो सुबह शाम इस्तीफ़ार होता रहेगा तो इन शाला गुना साथ के साथ माफ़ होते रहेंगे और नामा माल से भर जाएगा और कल रोज़ क्यामत में हमारे लिए खुशखबरी का बायस होगा अल्लाह तबारक अमल की तोफ़ी अता फ़रमाए आमीन या रबालमीन